देखिए, शराबबंदी तो होना ही चाहिए, क्योंकि शराब से जब घर बिगड़ते हैं उसमें जो क्लेश होता है तो वो असहनीय होता है, और इसके कारण कई लोग आत्महत्या करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, और कई महिलाएं इस कारण से आत्महत्या करती, वो पीती नहीं है पर उनके पति पीते तो प्रताड़नाएं होती है। ये जो मादक पदार्थ हैं इनका सेवन बंद होना ही चाहिए। शराब सस्ती हो या महंगी हो, शराब जहां औषधि का काम करती है वो आयुर्वेद में शराब यानी अल्कोहल जो होता है उसका सीमित मात्रा में वो औषधि होती है, और असीमित मात्रा में वो जहर होता है। इसको सबको समझना चाहिए, सुनना चाहिए, और उसको अधिक लेने से जो नुकसान होते हैं उनको समझ करके अपना बंद करना चाहिए। कांग्रेस तो किसी प्रकार का आरोप लगाने लायक है ही नहीं, क्योंकि जब उनका शासन था तो वो घर घर शराब पहुंचा रहे थे। मुझे लगता है कि इस बात पर कुछ भी बात कहना उनकी नैतिकता के अंदर आता ही नहीं है, और अनैतिक बात करने का उनका अधिकार है, अनैतिक बात वो करते रहते। उमा दीदी यहाँ मुख्यमंत्री रही हैं, उनका जो विचार है वह सोच विचार करके अपना वक्तव्य देती हैं, और बिल्कुल पूर्णतया उनका जो मार्ग है वो अपने मार्ग पर चलती हैं, और सभी को अपने अपने मार्ग पर अपना अपना वक्तव्य देने का अधिकार है। यहाँ हमारे देश में तो संविधान को तोड़ करके भारत विरोधी बातें, देश विरोधी बातें करने वाले भी पनप रहे हैं, और ये बहुत गलत है। माननीय उमा दीदी हमेशा से इन चीज़ों का विरोध करती रही हैं।